हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम और जो क्राइटेरिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर एक हिंदी में मैंने डेटा एंटर किया है, छात्र अथवा छात्रा का रोल नंबर, फिर यहाँ छा नाम है, फिर कंप्यूटर मैथ और इंग्लिश के मार्क्स है। ठीक है, तो पहले कितने नंबर प्राप्त किए ये हम निकालेंगे और फिर क्या परसेंटेज रहा ये निकालते हैं। तो क्रिएट पर चलते हैं और क्वेरी डिजाइन पर आ जाते हैं और यहाँ से टेबल वन को ऐड करवा लेते हैं, फिर यहाँ पर इसे क्लोज कर देता हूँ। इस जो टेबल वन है ऊपर आया हुआ है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सारे डेटा एक साथ दिखाई पड़े। यहाँ पर जा करके और यहाँ पर सारे डेटा को हमें ऐड करवाना है यहाँ पे, तो ये इस तरह से हम ऐड करवा लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाएंगे कितने नंबर प्राप्त किए। ठीक है, यहाँ पे रखा कर्सर को यहाँ पर इस तरह से और राइट क्लिक करके और इसे जूम व्यू पे ले लेता हूँ, आपको बेहतर तरीके से ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कोलन लगा लीजिए और स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए। यहाँ पर क्या लिखना है हमें, पहला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर्स किया और इसे क्लोज कर दिया, फिर प्लस का निशान लगाया हमने। दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं मैथ। ठीक है, एंटर किया और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। फिर तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, तो ब्रैकेट ओपन किया, फिर यहाँ पर लिख दिया हमने इंग्लिश और एंटर प्रेस करके और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इस तरीके से ये हमने कर दिया और ओके प्रेस कर दिया। इसके बाद से क्या परसेंटेज रहा वो हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर जूम व्यू पे ले लेता हूँ और फिर यहाँ पे कोलन लगा लेता हूँ और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हमें लिखना है। ठीक है, कितने नंबर प्राप्त किए इसी के बेस पर हमारा जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट होगा। तो यहाँ लिखता हूँ कितने नंबर प्राप्त, यहाँ पर क्या करेंगे अपॉन करने के पहले यहाँ पे इनटू लगाएंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया 100 से इसे मल्टीप्लाई पर अपॉन 300 कर देता हूँ। 300 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तीन ही सब्जेक्ट तो है, अगर तीन से ज्यादा सब्जेक्ट हो तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं कैलकुलेट। और यहाँ से ओके प्रेस कर दिया हमने, अब ये हमारी क्राइटेरिया हो गई। ठीक है, ये हमने लगा दिया फॉर्मूला। अब इस तरीके से ये हमारा परसेंटेज भी आ गया और टोटल भी आ गया, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको थोड़ा चौड़ा कर लेता हूँ, ये आपको ठीक से दिखाई पड़ेगा। अब हम ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ रिंकी सिंह के मार्क्स दिखाई दे। ठीक है, तो इसके लिए हम जो हमने फॉर्मूला लगाया है उसी क्वेरी को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, डिजाइन व्यू पे ले लेता हूँ। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको अगर मैं बड़ा करूंगा तो ये आपको दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, अब हम चाहते हैं यहाँ पर और वाली क्राइटेरिया में आएंगे। ये जो और दिया हुआ है ना, क्राइटेरिया के नीचे दिया हुआ है और। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है छात्र अथवा छात्रा का रोल नंबर, तो रोल नंबर अगर आप देखना चाहते हैं तो रोल नंबर के हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर कर देता हूँ छात्र अथवा छात्रा का नाम, तो यहाँ पर सिर्फ एक छात्रा का हमें देखना है, उसका नाम है निशा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने निशा और अब यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर निशा आ चुका है और यहाँ पर रन पे कर देता हूँ क्लिक। तो जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ हमें निशा के ही मार्क्स और परसेंटेज दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अच्छा।